हमारे वीआरसी की परंपरा बहुत बड़ी है और देश के अनेक क्षेत्रों में यहाँ से जो इंजीनियर बने हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विशेष रूप से नागपुर का ये सौभाग्य है कि हमारी यहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पूरे देश में अपना नाम बहुत बड़ा बनाया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में इसी प्रकार से हमारे एजुकेशन फील्ड में अच्छी संस्थाएं आए। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस ने 450 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी नागपुर में लगभग उनका काम पूरा हुआ है। ट्रिपल IIT है, अब LIT को भी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल स्टेटस देके डीम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश हो रही है। मैं हर समय एक बात आपके सामने रखता हूं कि जिस एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है उस एरिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में लेकर वहां के रॉ मटेरियल पर अगर वहां रिसर्च होता है तो बहुत उपयोग होगा। विशेष रूप से मैं भी इस बात को अनुभव करता हूं कि हमारे यहाँ नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने जो सीवेज वाटर था वो साफ करके महाराष्ट्र राज्य बीज मंडल को दिया, जिससे उनको 79 करोड़ रुपीज रॉयल्टी मिलती है। अब मुझे बाद में जरूरत पड़ी रिसर्च स्कॉलर की, क्योंकि जो स्लस 450 टन पर डे निकलती है, हमारे 7 बायोडाइजेस्टर खाली पड़े हैं, वो स्लज उसमें डालकर उसमें मिथेन और मिथेन से बायो CNG तैयार करने के लिए किसको बोला जाए। और ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न आता है कि यहाँ कोई ना कोई रिसर्च करने वाले अगर होंगे तो ये कर सकते हैं। डॉक्टर अभय बंग यहाँ है, हमारे बाम्बू से ऑयल तैयार करके उसको शिपिंग फ्यूल में कन्वर्ट करने के प्रयोग चल रहे हैं। आपको पता होगा कि स्पाइस जेट का प्लेन देहरादून से दिल्ली 25% बायो एविएशन फ्यूल जेट्रोफॉर्म से तैयार करके हमारे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने बनाया और वो प्लेन सक्सेसफुल आया। और अभी 26 जनवरी को हमारे फाइटर जेट भी 100% बायो एविएशन फ्यूल यूज करके उन्होंने उड़ान किया। हमारा गढ़चिरौली ये एविएशन फ्यूल का हब बन सकता है। रतनजोत, मोह, साल, करज, स्टोली नॉन एडिबल ऑयल सीड का भंडार है, पर हमारे यहाँ कोयला है और कितनी कैसी स्थिति होती है इसका एक अच्छा उदाहरण है। हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट ने डम से सैंड निकाले और वो निकालने के बाद मुझे बताने के बाद मैं पीछे पड़ा और मैंने वेस्टर्न कोलफील्ड को कहा कि तुम्हारा इतना डम निकलता है ये सैंड निकालो। उन्होंने साल भर लिया काम करने के लिए। अब वो सैंड निकली है वो मार्केट में 1700 रुपये क्यूबिक मीटर के बजाय 700 रुपये क्यूबिक मीटर पर अवेलेबल है और WCL के MD ने मुझे बताया कि कोयले के बजाय केवल सैंड बेचकर उनको साल के 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विदर्भ के लिए यहाँ के यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसलिए यहाँ के जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, अभी कोल पर काफी काम हो रहा है। डॉक्टर सारस्वत जो हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं उनके साथ हम लगातार मिथेनॉल पर काम कर रहे हैं और कोल हमारे पास लो ग्रेड क्वालिटी का है और मिथेनॉल से DME तैयार करके हम 20% LPG में अगर डालते तो हमारा बहुत बड़ा इम्पोर्ट बच सकता है। हमारे पास कोल का भंडार है जो लो ग्रेड क्वालिटी का कोल है, पर टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए यहाँ की कोई इंस्टीट्यूशन उसमें आगे आएगी तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। मैं एक बहुत अच्छे अनुभव के कारण आपको उसका उदाहरण बताऊंगा कि चेन्नई IIT ने हमारे कलकत्ता पोर्ट के लिए ड्रेजिंग के लिए एक चैनल थी और वो करने के बारे में मेरे साथ भी, मेरा एक OSDA IIT ग्रेजुएट है, वर्ल्ड बैंक में था, उसने कहा ये संभव है। हमारे चेयरमैन कह रहे थे कि ये संभव नहीं है। करीब 250 करोड़ रुपए हल्दिया पोर्ट पर हम ड्रेजिंग के लिए हर साल खर्चा करते थे। जब चेन्नई IIT को हमने काम दिया तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी वाले को साथ में लेकर ये कहा कि ये हो सकता है। वो काम हमने पूरा किया और हमारे 250 करोड़ रुपए साल के बच रहे हैं, तो मैंने तुरंत 60 करोड़ रुपए
चेन्नई आईआईटी को डोनेट किए और कहा कि आप हमारे लिए इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग में काम करिए। सिविल इंजीनियरिंग में भी यही प्रॉब्लम है कि रोड कंस्ट्रक्शन में नए नए इनोवेशन हम लाना चाहते हैं, सरकार में तो अधिकारी नई बात करने के लिए मन से तैयार ही नहीं होते। जो चल रहा है वही करने में उनको रहता है कि कोई पूछेगा क्यों किया, तो उसके बजाय जो चल रहा है वो करने में। पर ये जब बातें बहुत सी होती है तो इसमें भी काफी रिसर्च और अनुभव की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि भाई ऐसे रोड बने कि रोड का काम फैक्ट्री में और फैक्ट्री में आकर डायरेक्ट उसको प्रीकास्ट करके हम लोग जोड़ दें। अभी रेलवे में पैटर्न डिजाइन बनाने के बारे में मैंने आग्रह किया। हर आरओबी का अलग डिजाइन होता है और हर आदमी अलग ज्ञान देता है और एक फाइल 16 जगह पर जाती है, दो दो साल आरओबी क्लियर नहीं होते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एक स्टैंडर्ड डिजाइन बनाकर आप दीजिए और स्टैंडर्ड डिजाइन बनाकर उसको प्रीकास्ट करेंगे तो बहुत कॉस्ट बचेगी। अभी एक मलेशिया में एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई और उसमें दो पिलर के बीच में ब्रिज बनाते समय 100 मीटर तक उन्होंने बीच में कोई पाइल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रिसर्च करके किया। उन्होंने जो स्टील फाइबर है उसको रेडीमिक्स कंक्रीट में उपयोग में लाकर उसका प्रीकास्ट किया। मुझे जब ये बात पता चली तो हमारी एक कमेटी है आईआईटी मुंबई के, रवि सिन्हा उसके हेड है, और मैंने कमेटी पूरी मलेशिया में भेजी और मैं रिपोर्ट आकर कहा कि हो सकता है। और मैंने 8 दिन पहले ही 50 मीटर तक अब बीच में कोई पिलर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं, उस फाइल पर साइन की है जिसमें हमारे कम से कम 15-20 हजार करोड़ साल में बचेंगे, इतने ब्रिज हम बना रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो रिसर्च है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। और विशेष रूप से एग्रीकल्चर में तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ एक रेड्डी करके इंजीनियर है यूएसए में, मैं अभी रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये पोलावरम जो 60 हजार करोड़ का डैम आंध्र प्रदेश में, वो मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से बना रहे हैं और उसका बैकबोन 1100 TMC पानी समुद्र में जाता है। तो वो पानी गोदावरी का कृष्णा में, कृष्णा का कावेरी में, कृष्णा का पेनार में और पेनार का कावेरी में जोड़ने की योजना हमने बनाई, करीब 50 हजार करोड़ की है। तो जो रेड्डी करके इंजीनियर मेरे पास है, उन्होंने कहा कि जैसे हमारा पानी का ड्रम होता है, बीच में हम नाली तैयार करते हैं, तो मैं कम थिकनेस की स्टील शीट यूज करके हम ज्यादा स्ट्रेंथ का पाइप तैयार करने का उन्होंने हमको प्रेजेंटेशन किया। अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया तो हर प्रोजेक्ट में हमारे कम से कम 10-15% मटेरियल पर कॉस्ट बचेगी, इतना अच्छा रिसर्च उनका हमारे काम में है। तो मेरा यही अनुरोध है कि हमारी जीआरसी के इसमें नागपुर और विदर्भ से रिलेटेड जो मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, यहाँ के जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसके आधार पर अगर रिसर्च होगा तो यहाँ के डेवलपमेंट में बहुत उपयोग होगा। आखिरी में मुझे जल्दी है क्योंकि मैं जिस प्लेन से जाने वाला हूँ उसका बोर्डिंग खत्म हो गया, ऐसी चिट्ठी मेरे पास आई है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे एक स्टूडेंट है आज बहुत दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, तो विश्राम जी आप और पटोले जी मिलकर यहाँ के डेवलपमेंट के लिए उनको अगर कहेंगे तो उनके लिए 5-50 करोड़ बहुत बड़ी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। मेरा विश्वास है कि जिस कॉलेज से वो पढ़े हैं उस कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए वो निश्चित रूप से मदद देंगे, और इसलिए जरूर इसका एक मास्टर प्लान तैयार करके अपने एक स्टूडेंट जो है जिनकी कमिटमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है, उनको अगर हम प्रपोजल देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ का डेवलपमेंट में उनका योगदान हो सकता है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर काकोड़कर जी और डॉक्टर बंग जी का मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैंने उनका भाषण सुनना चाहिए था, पर मुझे एयरपोर्ट पर जाने का आवश्यकता होगी। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।